हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कंबाइन ट्रैक्टर लवर्स पर। दोस्तों आज कंबाइन की इंजन की सर्विस करेंगे, तेल वगैरह चेंज करेंगे कंबाइन का, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, आपको दिखाते हैं दोस्तों। और ये सर्विस का सामान लेकर के आए हैं, थोड़ा तेल वगैरह और होस पाइप भी बदलेंगे आज। ये अभी शेड को ओपन कर रहे हैं सरपंच साहब बठिंडा। ये दोस्तों कंबाइन खड़ी है। दोस्तों कंबाइन के अंदर नया तेल डालने के लिए पहले पुराना तेल जो निकालना पड़ेगा, और ये अंदर से अभी निकाल लेंगे, और नीचे तसला रख दिया जिसमें पुराना तेल निकाल लेंगे नीचे से। दोस्तों नट खोलने पड़ते हैं उसके बाद। दोस्तों इसका जो पुराना तेल है वो निकाल दिया है, अभी इसमें नया तेल डाल लेंगे। अभी भी थोड़ा थोड़ा निकल ही रहा है। इधर ये होस पाइप चेंज किया है। पुराने वाली फट गई थी दोस्तों, तो ये होस पाइप भी इधर से चेंज हुई थी, नई लाई है ये भी। तो ये नया मुगलाल फिल्टर डाल रहे हैं अब। ये इसकी रबड़ छोटा। इधर दोस्तों ये यहाँ पर डीजल फिल्टर की भी सफाई कर रहे हैं, वहां पर ये भी निकाल दिए हैं। और इधर ये मुगलाल फिल्टर यहाँ पर होता है, ये इसको भी फिल्टर नया लगा रहे हैं इसके अंदर। ये अपने अमन 516 के फोरमैन जॉनी कुमार, और ये विनोद कुमार प्रीत 987 के फोरमैन। ये अब इसमें दोस्तों तेल डाल रहे हैं। बस भाई थोड़ा सा डाल चलो, और बस आ जाएगा। सारा काम दोस्तों बारीकी से करना पड़ता है। मनोज मेन पाइप कौन सी आ रही? ठीक है करवा दे यार मेरा भी। ये दूसरे वाला जिराफ फिल्टर इसका नाम। ये पंप है दोस्तों, ये दोस्तों गेज है, इसे तेल नापा जाता है कि कितना है कंबाइन में। अभी इसमें दोस्तों खाली कर रखी है ये। कट लग रहा है फैल। दोस्तों आप देख रहे हैं अब कंबाइन का जो है वो तेल बदला जा रहा है। बस दोस्तों इतना ही काम होता है सर्विस का, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बस ध्यान रखना पड़ता है, तरीका होना चाहिए दोस्तों, काम कोई बड़ा नहीं है। दोस्तों एक बाल्टी तो इसमें आ चुकी है, अभी दूसरी डाल रहे हैं। दोस्तों सर्विस का काम खत्म हो गया, अब इसका थोड़ा सा वेल्डिंग का काम है वो करवा करके लेके आएंगे। तब तक जॉनी कुमार के साथ मैं ट्रैक्टर पर वो अमन का ट्राला लेकर के उस पर भी वेल्डिंग ले आनी है करवा करके, वो लेके जाएंगे जी। दोस्तों हमने आपको दिखाया था कि सुबह हमने कंबाइन की सर्विस की थी प्रीत 987 की, और अब
अमन के ट्रॉली को हम वेल्डिंग लाएंगे करवा के से, उसमें कुछ थोड़ी बहुत ही दिक्कत आई है, तो ट्रैक्टर के साथ जो है ट्रल्ला अटैच कर दिया है, जोड़ दिया है, और अब इसको लेकर के जाएंगे, इस पर वेल्डिंग लाइन करवा के। दोस्तों ये जो रील है इसको दोस्तों उतार के यहीं पे छोड़ देंगे नीचे ही, रील यहीं पे रहेगी दोस्तों, बस खाली ट्रल्ला लेके जाएंगे। ये यहाँ से 4-5 नट खोल करके दोस्तों रील को यहीं पे उतार देंगे। तो चलो फिर चलते हैं दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ट्रल्ले के ऊपर से रील उतार दिया है, और अब ट्रल्ले को लेकर के जाएंगे, इसका जो थोड़ा बहुत काम है ट्रल्ले का वो करवा के ले आएंगे। हाँ जी दोस्तों, हम आ चुके हैं वेल्डिंग की दुकान पर, और इस पे जो ऊपर में आपको दिख रहा है यहाँ पे वेल्डिंग करवानी है। 5-10 मिनट बाद काम शुरू हो जाएगा। ये दोस्तों हमारी ही है पत्ती, फोरमैन दोस्तों कहीं पर गए हुए हैं, वो आ जाएंगे उसके बाद। उसके सराह शुरू से करने हैं, ये काट का यहां से आज की पत्ती लगा दी बड़ की चूड़िया। दोस्तों ये यहां से फ्री हो रखी है, इसको जाम करवाएंगे यहां से कटवा करके वेल्डिंग, और ये भी अंदर वाला भी नट जो नया लगवा देंगे इसमें, फिर ये फ्री नहीं होगा, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया करेंगे फिर इसको। यहाँ पर नई पत्ती लगवानी है, एक पत्ती दोस्तों यहाँ पर लगवानी है आगे, ये दोस्तों फिर आगे नहीं आएगा, यहीं पर रुक जाएगा। हाँ जी दोस्तों, ट्रल्ला साइड में छोड़ दिया है, और सरदार जी बोल रहे हैं कि कल तक कर्म करके देंगे पूरा, क्योंकि सीजन का टाइम है, सबने जो है कंबाइनों की रिपेयर खोल ली हुई है, टाइम नहीं है बिल्कुल भी वेल्डिंग वालों के पास, और ये कल। दोस्तों आज आपकी वीडियो में हमने आपको दिखाया कि कंबाइन की सर्विस कैसे होती है, थोड़ा बहुत वेल्डिंग वेल्डिंग का काम दिखाया कि कटर वार की वेल्डिंग कैसे होती है। दोस्तों आज हमने कंबाइन के ऊपर कैमरा लगाया है, मैं इसकी छोटी सी क्लिप भी डाल लूँगा, देखिए दोस्तों। अभी दोस्तों दोनों कंबाइनों के जो ड्राइवर हैं अपना अपना काम कर रहे हैं, ये दोस्तों इधर चल रहे हैं, और ये दोस्तों इधर लगे हुए हैं। आज हमारा एक और बंदा आ गया मोनी, ये छुट्टी पर चल रहा था कई दिनों से, दोस्तों कंबाइन का जो काम है वो लगभग पूरा ही हो चुका है दोनों का, और एक दो दिन में चालू कर देंगे कंबाइन को, एक दो दिन में दोस्तों ये शेड की सफाई भी करवानी है, बहुत बुरा हाल हो रखा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और दोस्तों वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें दोस्तों, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।